हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का मैं भी ठीक हूँ। मुझे पता है काफ़ी दिनों टाइम वीडियोस नहीं आया, अभी मैं दोबारा स्टार्ट किया। आज 1 अप्रैल 2022 फ्राइडे है, आज हमारी पहले तरावी होगा। आप लोगों ने ये वीडियो देखेंगी, हम रोज़े में होंगी। हम आ गए एमिनोनी में, हमारी सहरी का शॉपिंग कर लेंगे। एक साल बाद सेम जगह अगेन, रमज़ान से इफ्तारी से एक दिन पहले। थोड़ी सी ये आप लोग के लिए प्राइस डिफरेंशिएशन भी होगा, और आप लोगों के मैंने दिखाना है तुर्की में हम सहरी कैसे करती है, ईच एंड एवरी डिटेल। तो अभी हम स्टार्ट कर लेंगे हमारी सहरी शॉपिंग में, चले। एक्चुअली अभी सारी शॉप में नहीं लूँगी, क्योंकि महंगाई तुर्की में भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने सब दुकान में प्राइजेस चेक करके फिर लेना है। ये इधर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा ना, स्पाइसेस मिलेगा सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए। दिस टाइम बहुत ज़्यादा लोग हैं, पहले इतना ज़्यादा लास्ट पिछले रमज़ान में कोविड की वजह से इतना रश नहीं था, लेकिन अभी बहुत रश है। अभी मैं थोड़ी सी दुकान भी चेक करती हूँ। इधर हमारे पास फ्री सैम्पल डिलाइट्स है, मैं आप लोग के लिए फ्री सैम्पल डिलाइट्स खा लेती हूँ। वीडियो की बात ना कहते, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा खाई। कल तो रमज़ान है, अभी खाना है। यार बहुत अच्छा है, आई विश मैं आप सबको बेच रही, बट बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा गैस yapsa çok yüksek. Neye göre yüksek? Kime göre yüksek? Bana göre yüksek. Ama şöyle yapalım. Siz şuraya çıkın. Ne olur bak, fiyatlarla hemen hemen aynı zar oluyor. Bu kadar basit. Ben usko ka bahut mehenga hai. Prices bahut high hai. Usne kaha upar jao. Tabhi aap log sahi nikle. Ye bhi Turki logon ka mazak hai. Kilosu ne kadar? Kilosu 99 TL. İska 1 kg 99 Turkish lira ka hai. Like soch lo 100 ka. Baat main test karungi. Nerenin peyniri? Bu Trakya eski kaşarı. Koyun, keçi, inek üstünden paçal şeklinde yapılmış. Bahut garba hai. Az tuzludur. 1,5 senelik kaşar peyniri. Actually usne kaha 1.5 years wait kiya hai. Bahut garba bhi hai, but test bahut mazedar hai. Size beyaz peynir tatlı. Abi mene liya 1 kg 100 ke. Bhai ne mujhe 7 Turkish lira discount diya. Thank you. Çok sağ olun. Sizler sağ olun, bereket. Görüşürüz. Çok teşekkürler. İs bazar mein log kasam se bahut mehman nawaz hai. अगर आप लोगों ने शॉपिंग करने में ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ लोकल शॉपिंग करना, इसलिए मैंने लोकल शॉपिंग कर लिया। उन्होंने ऐसे फ्रीली आपको कुछ भी दे देती है। मैं थोड़ी सी खा लेती हूँ बस। Selam, kialha, Pakistan, acha indir acha, Pakistan brother, I am from Sham. मैं मेरी फेवरेट जगह से डेट खरीद लूँगी। अगर मुझे हुरमा डेट चाहिए ना, मैं इस शॉप से खरीद लेती हूँ। क्या हाल है भाई? वही को याद आया मेरे आई बचन में पिछले वीडियो में चले, एक साल पहले भी आप दे रहे थे। अभी मैंने दोबारा देख खरीदने के लिए आया आपसे लेना, मैंने सोचा आप अपनी से लूंगी मैं। क्या हाल है? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुना? ठीक ठाक, हाँ शुक्र, मैं ठीक हूँ। एक साल में क्या महंगाई हो गया? बहुत ज्यादा महंगाई हो गया। जो पहले 10 रुपए की चीज थी वो अभी 50 था पहले, ये पहले 20 रुपए की थी, अभी 60 लीरे की हो गई है। 60 हो गया। आप भाई आप भी पाकिस्तानी है? जी जी। आप भी इधर काम करते हैं? अच्छा, मुझे बैग भी लेना था, मुझे डिस्काउंट कर ले। ठीक है, बिल्कुल डिस्काउंट।
यार ऐसे लगता है इन्हें पूरा पाकिस्तान कोई इंडियन काम नहीं करते इधर, सब एक गांव। कौन सा गांव? हाँ बुजुर्गवाद, वो कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात पे? अच्छा, मेरी इस जिंदगी में एक मोटो है, महंगा वाला टेस्ट करके सस्ता वाला खरीद लेती हूँ। ये गरीबों की काम है शायद। मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? टेस्ट करूँ? पर मैंने सस्ता लेना है बस टेस्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तानी है इधर आसपास? यही है सर, एक इसको पाँच या दो आम इधर। अच्छा, बहुत मज़े का है यार ये जगह तो, मेरी फेवरेट जगह है क्योंकि मैं इधर सब ड्राई है, ड्राई रोज है, इनका चाय इतना मज़े का होती है ना, मैं आपको यकीन नहीं दे सकता। अभी इधर आओ, इधर आप पाकिस्तानी हैं? अच्छा, इस शॉप में भी एक पाकिस्तानी है। यही तो अनार चाय है एक्चुअली। इफ्तार और इफ्तार ओपन करने के बाद, खोलने के बाद मैं यही पीती हूँ। बहुत मज़ा का है। अभी हमारी शॉपिंग हो रही है, मैंने बस थोड़ी सी चीज़ें ले लिया, चीज़ और डेट्स और मेरे अनार का चाय और चीज़ें भी लेना है। बाज़ार इतना रश है, पिछली सहरी व्लॉग में इतना रश ही नहीं था। अभी ज़्यादातर तुर्किश लोग से भी ज़्यादा फॉरेनर्स लोग हैं इधर। अभी थोड़ी सी बाज़ार के अंदर चले, मुझे ओलीज वगैरह भी लेना है। ये भी खुनाफा हो रही है इधर गरम गरम। आईना अभी ग्रीन ओलीज भी मैंने टेस्ट करनी है। Ne kadar oldu? Tarif edeceğim, bakacağız. Tamam. एक्चुअल ओलीज मेरा आज इतना ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैं फ्रेश खाती हूँ, ऐसे फ्रिज में रख के उसको ख़राब ही नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने काम लिया। ये शॉप देख, शॉप बहुत बड़ी हुई है और जगह ही नहीं है इधर स्टैंड करने का। कम से कम मेरी आधा घंटे इस शॉप में लगा, बस मैंने थोड़ी सी ओलीव्स लिया। इतना रश था सोच नहीं, लोग पागल की जैसे लास्ट दिन में छोड़ के अभी आके सहरी बनाती हैं, जगह ही नहीं है करी होने के लिए। मैंने गला दिन चूज़ किया सहरी के लिए। अभी मैंने आधा शॉपिंग तो हो गया, अभी डिलाइट्स वगैरह भी लेना है, जाके उसको लेती हूँ। इस बाज़ार में ज़्यादातर आपको लोकल स्पाइस, ड्राई फ्रूट्स और घर का सामान और ब्रेकफास्ट की चीज़ें मिलेगा। और इधर मेरी एक फेमस कॉफ़ी शॉप है, मैं उधर जाती हूँ। मैं ज़्यादातर मेरी तुर्किश कॉफ़ी उधर ही से ख़रीद लेती हूँ क्योंकि उनका फेमस है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। Yerin yapacağız. Evet. अभी ये लाइन देख, एग्जैक्टली स्पाइस बाजार की अपोजिट में एक तुर्किश कॉफ़ी है, बहुत फेमस है। अभी हम सब लोग उसके लिए वेट करते हैं। ये जगह देख, अभी मैं भी खरीदूँगी दो तीन क्योंकि बार बार इधर नहीं आती हूँ ना, इतना लाइन तो इतना मसला नहीं है। नहीं शुक्र मैंने लिया। ये राश थे क्या? ये राश अभी मैं आ गया इजिप्शियन बाज़ार की बहिर हूँ, अंदर जाती हूँ। इधर ज़्यादातर स्पाइसेस वगैरह मिलती है, मुझे भी दो तीन स्पाइसेस चाहिए स्पेशली इफ्तारी के लिए मुझे चाहिए। अभी मैं अंदर जाती हूँ, अंदर भी एक्सप्लोर करती हूँ अंदर क्या है। ये हंसक मीट है, ड्राई मीट है। इसका एक केजी है 388 का, काफ़ी महंगा है बट टेस्ट भी इतना मज़े का है। अभी मैंने थाहीन एंड थिकनेस लेना है। कहाँ पर?
Nerede abi? Alacağım. Ay pekler burada. Ha. Karışık olarak mı ayrı ayrı mı olsun? Ayrı ayrı, ayrı ayrı. Bu da olacak abi. Yedi onu abime ne diye. 85 lira toplam. 85. Abi ye total mujhe par gaya 85 Turkish lira. Abi hum Eminönü'nün ki meydan pe aaya. Abi hum pehle gali ke andar tha. Udhar hi thodi si humne shopping kiya. Ye Eminönü ki meydan hai. Idhar se start karke end tak same shop hi chalta hai. Abhi chale idhar kaise rush hai maine abhi iske andar jana hai. Mujhe pata hai bahut hi rush hoga. Sare log abhi sehri ki taiyari karti bhi hai. Chale. Yaad aaya? Numan? Bhaji andar jao. Numan bhai yaad aaya pichli meri sehri video mein bhi usne bulaya tha bhaji andar aaja. Ye wohi Numan bhai hai. Kya haal hai? कसम से हम मैंने शॉपिंग कर करके बहुत थक गया. अभी हमने वो थोड़ी सी मैदान पे बैठा. नुमान ने हमारे लिए चाय कॉफ़ी और ग्लाइट्स वगैरह लेके आया. थोड़ी सी बस 5-10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे. ग्लाइट्स वगैरह लेना है तो मेरी सहरी का शॉपिंग ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद मैं जाऊँगी रात को सहरी बनाने के लिए, फिर आप लोगों को दिखाने तुर्की सहरी कैसे होती है, हम क्या खाते हैं. इसका एक पैक, एक 5 पैक है, 80 का है. मैंने लेना है क्योंकि पाकिस्तान में बेचना है लोगों को. आई थिंक इसे एक और लेती हूँ, ऐसा लगता है. अभी मैं ये ख़रीद के आती हूँ. एक और डेट खाऊंगी कैमरा मैन को भी दो. ये तो मेरी लास्ट डे है सही से खाना खाने का. चले तशक्कुर. वो भी बुला दे अपनी अपनी. क्या ले मैं ठीक हूँ. पाकिस्तान आपका मैंने इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पे. अच्छा आप कहाँ से? पाकिस्तान गुजरात से. गुजरात से? ये भाई पाकिस्तान से. हाँ वो भाई. ये आपका हस्बैंड है? हाँ. मैं आपका जो है यूट्यूब पे देखा था. अच्छा कितने साल हो गए इधर? मुझे 5 साल हो गए. कहाँ इधर? तुर्की से आता हूँ. आप लोग कहेंगे तुर्की आपने पहले पता था. कसम से मुझे पहले नहीं पता था इधर का एम्प्लॉय पाकिस्तानी है. लाइक लोग बुलाती हैं, मैं जाती हूँ खाती हूँ वापस वहीं रहती हूँ. 2022 की रमज़ान की सहरी का शॉपिंग ख़त्म हो गया. मैं नीचे एक एक लिखूँगी मुझे ये सब चीज़ें कितना मैंने खर्च किया. इस साल मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन ये सारे एम्प्लॉयज तो पाकिस्तानी, तो मैं हैरान हो गई. उन्होंने इतना अच्छा हमको वेलकमिंग भी किया. अभी हम जा रहे हैं, मिलेंगे सहरी में. बात होगा इधर मस्जिद के ऊपर रमज़ान की बड़ी में सेंटेंसेस लिखा भी होती है. मैं इसको रात को आपको दिखाऊंगी. अभी हम मिलेंगे सहरी में, मैं जाके सहरी बनाऊंगी. गाइस एक्चुअली टर्किश में, तुर्की में हमारी सहरी में हमारी एक स्पेशल ब्रेड होती है. वो ज़्यादातर रमज़ान में होती है. ये भी वो गोल वाला है ना, हम इसको कहती है रमज़ान फीडे. लाइक रमज़ान का नान अभी मैं जाके वही लूँगी. मेरे बोला रमज़ान फीडे स्वर में न खदा. हाँ एक बिछाना भी दिन ऐसे ये लोग इधर ब्रेड बनाती हैं, वो भी रमज़ान के लिए स्पेशल होती है. अभी था नहीं पब्लिक्स में मुश्किल चिप्सा. अभी भाई भी हमारे लिए फीडे बनाएगा, आप लोग भी देखें. ऐसे साइट होती हैं इसके ऊपर सुम आवे. हाँ ये आ गया, ये आ गया अंडा वाला. अभी हमने यही खाना है. इसके ऊपर भी सेसम है गरम गरम. सहरी में हम यही खाएंगे. बच्चा आपके साथ हेल्प करता है. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. एक्चुअली आप लोग सोए होती है, हमारे लिए गुड मॉर्निंग. अभी तो हो गया 4:14, 5
20 or 5 to, I don't know exactly. अजान होने वाला है. मैंने सहरी बनाना स्टार्ट किया. इधर मैंने अंडा बॉईल किया और इधर भी हमारी मैं तुर्कीश चाय बनाती हूँ. आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ. हमारे से दो पॉट होती हैं. इधर अभी मैंने पानी रखा, वो बॉईल हो रही है. ये मेरी छोटा पॉट है ना, मैं अभी उसमें तुर्कीश चाय रखूँगी. ये पत्ती हमारी थोड़ी सी बड़ा बड़ा होती हैं. एक एंड दो, आई थिंक दो काफ़ी होगा. अभी इसको भी मैं ऐसे साइड में रखा. अभी मैं वेट करूँगी नीचे वाला पॉट का पानी गर्म होएगा, ठीक है. उसके बाद हमने इसके ऊपर भी वो डाल देंगे, गरम पानी डाल देंगे. फिर चुकी चाय इस ट्रे ओपन. ये अगर आप लोग खाती है ना, कसम से आपको प्यास नहीं लगता. अभी टाइनी भी लगानी है. आई नो हमारी नाश्ता इतना ज़्यादा वो नहीं होता, हम रेडी नहीं करती हैं, क्योंकि वो रोटी बनाना, अंडा बनाना, हमारी सब चीज़ें रेडी होती हैं. ये भी उसके ऊपर टाइनी, फिर हमने इसको मिक्स करके खाएंगे. अभी हमारी ये वाला पानी बहुत गर्म हो गया, फिर हमने दूसरा वाला पॉट रख के इसके अंदर गर्म पानी डालती हैं. ऐसे इसकी इतना ज़्यादा आग ही नीचे नहीं लगानी है, क्योंकि चाय फिर बाद में कड़वा होती है ना. बस ऐसे रख के एक दो मिनट के बाद फिर हम दोबारा इसकी इसके ऊपर डालती हैं. हमारी तुर्कीश चाय रेडी है. ऐसे इसको टोटल 10 मिनट वेट करना पड़ेगा. हमारी तुर्कीश चाय भी रेडी है. हमारी छोटी सी टिपिकल एक तुर्कीश फैमिली का सहरी ऐसे होती है. इट्स लाइक ए तुर्कीश नॉर्मल ब्रेकफास्ट, पर चाय तो ज़रूर ही होना है. अभी हमारी चाय भी रेडी है, सहरी भी रेडी है, अंडे वगैरह भी टमाटर तो ज़रूर होना चाहिए, और हमारी सहरी का फीता, इफ्तारी का फीता भी है. अभी हम कर लेंगे हमारी सहरी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगा हमारी इफ्तारी के बारे में. मैंने आप लोगों का छोटी सी तुर्कीश टिपिकल फैमिली का सहरी कैसे होते वही दिखाया. हमारी नेक्स्ट वीडियो होगा इंशाल्लाह इफ्तारी के बारे में. आपको आई होप यही वीडियो अच्छा लगा होगा. आप सब लोग आपको ख्याल रखें. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.